Hello friends, welcome to exam 1 and here we are going to discuss most important question based on the NDA exams and other armed forces exams. It is also very important for other competitive exams. So here we are going to discuss the important questions from history which are the previous year questions from 2019 to till up to date. Okay, so let's start. We'll see the first questions. So here is the first question. The question says, consider the following statement concerning the American War of Independence. So we know, like, British India has colonized almost all the part of the world, and this USA, the North America, the United States of America is a country in the North America, was also a colony. So when there was a realization of the fundamental rights and individual rights, the people started to ask for their rights in voting also. Okay, so here if you'll see the question, the first statement is saying the Americans raised the slogan "No taxation without representation." So it is absolutely true. Like, after the realization that the natives from the United States are not given representation in the British Parliament, but they are levied of paying the taxes, so they asked for the representation as well. Like, no taxation without representation. जब तक आप हमें लेजिस्लेचर में, जब तक हमें गवर्नमेंट में भागीदारी नहीं दोगे, तब तक हम लोग टैक्स पे नहीं करेंगे. ओके, तो ये स्टेटमेंट सही है. दूसरा जो स्टेटमेंट है, सेकेंड स्टेटमेंट है कि अमेरिकन मर्चेंट रिजॉर्टेड टू द बॉयकॉट ऑफ द ब्रिटिश प्रोडक्ट. तो ये भी सही है. जब इनका डिमांड नहीं पूरा किया गया तो ये क्या करते थे कि जो भी ब्रिटिश प्रोडक्ट अमेरिका में आते थे वो उसका बॉयकट करते थे. इसमें एक बहुत फेमस इंसिडेंस है कि जब ब्रिटेन से एक चाय भर के टी पार्टी, मतलब टी से भरा हुआ एक सिप आ रहा था, तो जो अमेरिकन कोस्ट है उस जगह पे उस सिप से सारे सारे जो टी के पैकेट्स थे उसको वो लोगों ने ओशियन में उसको डुबा दिया. तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है और ये दोनों रिलेटेड है अमेरिकन रिवॉल्यूशन से. ठीक है, सो हेयर द आंसर विल बी बोथ वन एंड टू आर ट्रू. ओके, सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2022. वी कैन सी दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, the next question is, consider the following statement related to Dayanand's idea of social reform. Okay, so Dayanand Saraswati is a great social reformer, and we know, like, जो हमारे आद्य proto nationalism है ये इन्हीं लोगों का देन है, है ना. तो जो भी अपने religion से या कुछ लोगों के सोशल रिफॉर्म करने के लिए काम करते थे, तो इसमें जो हम लोग देखते हैं, पहला स्टेटमेंट है कि दयानंद रिफॉर्म्स इन्विसेज्ड अ सोशल ऑर्डर वेयर डिफरेंट कास्ट परफॉर्म्ड फंक्शंस सुटेबल टू देयर स्टेटस डिटरमाइंड बाय मेरिट. तो हालांकि देखिए, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की संस्थापना किया था, इनका वेदों से कोई भेदभाव नहीं था. जो वेद में था वो कहते थे सही है, बस उसका इंटरप्रिटेशन गलत किया गया है. ठीक है, वेदों में उनका कहना था कि वेदों में हमारे वर्ण कास्ट सिस्टम है, लेकिन वो वंशानुगत नहीं है, वो हेरिडिटरी नहीं है, वो मेरिट के बेसिस पे है. तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही है कि दयानंद सरस्वती ने कहा था कि जो रिफॉर्म, उन्होंने कहा कि सोशल ऑर्डर और कास्ट परफॉर्म जो अभी हो रहा है उस टाइम पे वो गलत है और वो होना चाहिए किस पे, मेरिट के बेस पे होना चाहिए. ठीक है, बेस्ड ऑन द मेरिट. तो ये करेक्ट. दूसरा स्टेटमेंट कह रहे हैं कि दयानंद रोबस्ट वैदिक काउंटर पार्ट चैलेंज द मैस्कुलिन वेस्ट दैट हैड इनस्लेव्ड द आर्यव्रता.
तो ये भी ये स्टेटमेंट सही है कि जो वेस्ट कल्चर चला आ रहा था कि मैस्कुलिन पावर को सुप्रीम माना जाता था, और इन्होंने क्या किया, उसको चैलेंज किया। इन्होंने कहा कि वीमेन्स जो होते हैं, वीमेन्स को सोसाइटी में इक्वल स्टेटस देना चाहिए जो कि हमें मेल को देते हैं। मेल और फीमेल दोनों का जो मैस्कुलिन डिफरेंस है, उससे हमें सोशल डिफरेंसेस क्रिएट नहीं करना चाहिए। अगर हम अपॉर्चुनिटी दें तो दोनों इक्वल है। और उसके चलते इन्होंने बहुत सारे कॉलेजेस की स्थापना किया। इन्होंने जो वीमेन्स पे उस टाइम पे जो भी एक तरह से कहें जैसे सती सती प्रथा है, चाइल्ड 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 मैरिज है, इन सब का उन्होंने कड़ा विरोध किया। साथ में इन्होंने जो विडोज पे बहुत सारे जो करे कठोर नियम बनाए गए थे, उसको भी इन्होंने हटाने में मदद किया। तो ये काफी ग्रेट लीडर थे, और ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जा रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि बोथ 1 एंड 2। ओके, ये क्वेश्चन 2022 में ही पूछा गया था। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, वी कैन सी। ओके, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक यू गाइज आर गेटिंग इट। ओके, हियर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, वी कैन सी द क्वेश्चन सेइंग लाइक हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो देखिए, सबसे शुरू में हिस्ट्री जो ब्रिटिश इंडिया का लिखा गया था, इंडिया का लिखा गया था, वो इंडियन के द्वारा नहीं लिखा गया था। हालांकि जो लिखा गया था, बट वो रिकॉग्निशन में नहीं आया था। जैसे कि कलहन की राज तरंगिणी है, लिखा गया था बहुत पहले, तो वो एक हिस्टोरिकल फॉर्म में था। लेकिन ब्रिटिश जो जो इंडिया आए, यहाँ के हिस्ट्री को थोड़ा डिस्टॉर्ट करने के लिए उन्होंने अपने तरीके से हिस्ट्री का बुक्स लिखा। उसमें ये बहुत फेमस है, जेम्स मिल, और इन्होंने इस हिस्ट्री का बुक लिखा था। ठीक है, इन्होंने बुक्स लिखा और उसमें इन्होंने अलग अलग तरह से इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड भी किया। जैसे पहले उन्होंने इसको एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न में डिवाइड किया। एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न को डिवाइड करने से पहले उन्होंने इसको एंशियंट, मुस्लिम और ब्रिटिश, ऐसे करके उन्होंने डिवाइड किया था। हालांकि इस पे काफी विरोध भी है, जो हमारे इंडियन हिस्टोरियन इसका विरोध करते हैं। तो हमें बस ये मतलब है कि इस बुक को किसने लिखा, तो इस बुक को लिखा था जेम्स मिल ने। हो गया, लोग नाम याद रखेंगे, काफी फेमस नाम है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन ऑफ अगस्त 25, 1857 स्ट्रेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इशू। तो देखिए, 1857 में हमारे कंट्री में रिवोल्ट चल रहा था, 1857 रिवोल्ट। तो उस टाइम पे एक आजमगढ़ प्रोक्लेशन जो हुआ था, तो इस रिवोल्ट को रोकने के लिए ब्रिटिश ट्राई कर रहे थे कि जो इंडिया में जो रिलीजन है, मेजर रिलीजन जो हिंदू और मुस्लिम है, उनके बीच में हम लोग एक डिवाइड क्रिएट करें, जिसके कारण ये लोग ये सारे रिवोल्ट और रिवोल्यूशन और मूवमेंट कमजोर पड़ जाए। तो इसको सपोर्ट करते हुए कुछ नेता थे जो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे थे कि देखो भाई, ये ब्रिटिश का चाल है कि हिंदू मुस्लिम में जो डिवाइड है, हमें उसमें नहीं पड़ना चाहिए, और रिलीजन एक है, हमें जो ब्रिटिश के खिलाफ एक होके और इनसे लड़ना चाहिए। तो इस आजमगढ़ का प्रोक्लेमेशन का मेन जो इशू था वो यही था कि हिंदू मुस्लिम में जो डिवाइड है उसको खत्म करके यूनिटी दिखाना। तो इस स्टेटमेंट को हम लोग याद रखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा जो स्टेटमेंट है, ऑप्शंस है, सपोर्ट टू द इंग्लिश गवर्नमेंट ये नहीं है, द रिटर्न ऑफ द बादशाही ये भी नहीं है, इम्पोजिशन ऑफ हेवी जुम्मा ये भी नहीं है। तो आंसर है हमारा हिंदू मुस्लिम डिवाइड, इस पे फोकस किया गया था आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन में। ओके ओके गाइस, तो देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आप देखें जरा इसे 1 मिनट।
Okay, the question is, which Viceroy had made the observation, it's a beautiful world if it wasn't for Gandhi? देखिए इसमें अगर हम नाम पढ़ें तो लॉर्ड इरविन है, लॉर्ड वेबल है, लॉर्ड माउंटबेटन है और लॉर्ड विलिंगटन है, ठीक है। तो ये बात है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। तो जहां तक हम जानते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था और उस टाइम पे जो वॉइसराय था लॉर्ड इरविन था। तो जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो बाद में ब्रिटिशर्स को पैक करना पड़ा और लॉर्ड इरविन के साथ गांधी जी का गांधी इरविन पैक्ट हुआ। उसमें गांधी जी बाकी कांग्रेस कांग्रेस सीओ के साथ राजी हो गए कि सेकेंड राउंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाके हिस्सा लेंगे। लेकिन सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस में जाने के बाद भी उन्हें ये देखा, उन्होंने ये देखा कि इन लोगों को अभी भी इंडिया से कोई इंडिया के भलाई के लिए कोई कुछ लेना देना नहीं है। They are simply fulfilling their own purpose in that, है ना। तो वहां पे भी उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट और इंडिया को डिवाइड करने की पॉलिसीज को आगे रखा। तो वहां से बॉयकट करके, सेकेंड राउंड टेबल को बॉयकट करके इंडिया वापस आ गए गांधी जी। और इन्होंने ट्राई किया कि फिर से देश में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू हो जाए। लेकिन उस टाइम पे वायसराय चेंज हो गया था और लॉर्ड विलिंगडन वायसराय बन गया था और उसने उस मूवमेंट को ब्रूटली, बहुत ही बेरहमी से उसे दबा दिया। और दबाने के बाद उसी ने ये स्टेटमेंट दिया कि इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड इफ इट वाजंट फॉर गांधी। तो ये स्टेटमेंट को हम लोग याद रखेंगे, लॉर्ड विलिंगटन ने ऐसा कहा था। लॉर्ड विलिंगटन जो वायसराय रहा था 1931 से 36 तक रहा था, ठीक है, इरविन के जाने के बाद। Okay guys, so we will move to the next question now. तो हम लोग देख रहे हैं, देखिए काफी सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, जाना पहचाना है, सुना सुनाया है ना। हम लोग एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे, शॉर्ट ट्रिक्स बनाएंगे, जिसमें हमें वॉइस राय और उनका डेट्स है ना, ये हम कैसे याद करें, बस 3 से 4 लाइन आप लोग याद करेंगे और सारे वॉइस राय आप लोगों को याद हो जाएगा। तो उसके लिए एक वीडियो होगा, आप उसे देखिएगा। So we are moving to the next question here. Which Indian businessman favored healthy capitalism in helping Gandhiji to work towards common object? Okay. So question is, which Indian businessman favored healthy capitalism in helping Gandhiji to work towards a common object? Option hai Ghanshyam Das Birla, Ambalal Sarabhai, Sir Biren Mukherjee एंड टी टी के कृष्णमाचारी। तो देखिए इसमें हेल्दी कैपिटलिज्म का बात किया जा रहा है, ठीक है। कैपिटलिज्म हम एक नेगेटिव वर्ड मानते हैं, लेकिन हेल्दी कैपिटलिज्म का बात किया गया था। और ये किस लिए? तो गांधी जी के जो कॉमन ऑब्जेक्ट है उसको फुलफिल करने के लिए। तो गांधी जी का कॉमन ऑब्जेक्ट क्या था? तो देखिए गांधी जी का जो आंदोलन में हिस्सा या अंग्रेजों के विरोध जो स्ट्रगल था, वो एक यूनिक तरह का था। वो स्ट्रगल करते थे और वो विराम लेते थे, ठीक है, रेस्ट लेते थे और फिर से बैकग्राउंड तैयार करते थे और फिर से अगले रिवॉल्यूशन के लिए वो खुद को तैयार करते थे, पब्लिक को तैयार करते थे। तो वो कॉमन ऑब्जेक्ट क्या था? कॉमन ऑब्जेक्ट ये था कि जगह जगह घूमना, लोगों के बीच में भेदभाव को खत्म करना, अनटचेबिलिटी को खत्म करना, छुआछूत है ना, रिलीजन के बीच में जो गैप है उसको खत्म करना, ब्रिटिश का हेगेमोनी को खत्म करना, ये थी कॉमन ऑब्जेक्ट। उसके अलावा सेल्फ डिपेंडेंट बनना है ना, अपना कॉटेज इंडस्ट्री जो है, मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट जो है, तो उन सब चीजों को, जो हम लोग घरेलू उत्पाद है उसको बढ़ावा देना, ये सब था कॉमन ऑब्जेक्ट। इन सब चीजों को करके वो अगले आंदोलन को के लिए खुद को और जनता को तैयार करते थे, देश को तैयार करते थे। तो इन चीजों में जो खर्च होने वाले हैं या इन चीजों को हेल्प करने के लिए एक हेल्दी कैपिटलिज्म का भी जरूरत पड़ता था, ताकि हमें पूंजी रहे इन चीजों में खर्च करने के लिए है ना, लगाने के लिए, व्यापक रूप से करने के लिए। तो ये किसने किया ऐसा, किसने फेवर किया? तो ये फेवर किया, यस आप लोग
जरा इसको ट्राई कीजिए, मैं 2 मिनट देता हूँ। तो इसमें यस सॉरी, ओके गाइस, तो इसका आंसर होगा सर बीरेन मुखर्जी। बीरेन मुखर्जी ने ही हेल्दी कैपिटलिज्म का बात किया था टू फुलफिल द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ महात्मा गांधी। ओके नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7 Asked in NDA 2022, these questions are important for other competitive exams also. Okay, at least these options, the names are very important for all the common competitive exams. So we should go through these other options as well. Okay, the question is the art piece in which, oh, sorry, the art piece In Memoriam. In Memoriam was a creation of which one of the following European painter? तो देखिए, इन मेमोराइन क्या हुआ था कि 1857 के टाइम पे ही एक सिपोही म्यूटिनी हुआ था, जिसमें कि कुछ इंडियन लोगों ने उग्र होकर वहां पे क्रिश्चियंस जो विमेन्स और चिल्ड्रंस थे उस पे अटैक कर दिया था। उसमें काफी मास्केयर हुआ था। उसी को पोर्ट्रेट करने के लिए ये इन मेमोराइन आर्ट बनाया गया था, और उसमें दिखाया गया था ब्रिटिश हीरोइज्म ऑफ द वुमेन, ब्रिटिश वुमेन, क्रिश्चियन वुमेन। तो इसमें जो नाम है थॉमस जोन्स बर्कर, जोसेफ नोएल पैटन, थॉमस डैनियल, चार्ल्स ड्यूएल, तो इसमें हम लोग नाम याद रखेंगे जोसेफ नोएल पैटन। ओके, सो जोसेफ नोएल पैटन वाज अ आर्टिस्ट ऑफ दिस आर्ट इन मेमोरॉयन। ओके गाइज, Now we are moving to the next question. तो हम लोग क्वेश्चंस को डिटेल में देख रहे हैं, है ना, ऑप्शंस को भी देख रहे हैं। इसके साथ ये तो क्वेश्चन डिस्कशंस हैं हमें, इसके साथ हम दूसरे लेक्चर्स में हम इन चीजों को सिलसिलेवार तरीके से भी पढ़ेंगे, जहां पे हम एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का काम करेंगे, मैट्रिक्स मेकिंग का काम करेंगे, ताकि हिस्ट्री या अदर्स जो सोशल साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट है, स्टैटिक सब्जेक्ट है, उसको हम लोग ईजिली याद रख पाए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग हिस्टोरियन हैव डिस्क्राइब द क्विट इंडिया मूवमेंट एज अ स्पॉन्टेनियस रिवोल्यूशन। क्विट इंडिया मूवमेंट को स्पॉन्टेनियस रिवोल्यूशन कहा था कि ये अचानक से शुरू कर दिया, इसका इसको कुछ सोच समझ के शुरू नहीं किया गया था, तो ऐसा किसने कहा था? ठीक है, आप लोग बताइए। ठीक है, तो देखिए, क्विट इंडिया मूवमेंट कोई स्पॉन्टेनियस रिवॉल्यूशन नहीं था। ठीक है, ये रिवॉल्यूशन भी गांधी जी के बाकी रिवॉल्यूशन के जैसा था, जो कि सोच समझ के लिया हुआ डिसीजन था। तो इसको स्पॉन्टेनियस कहा था किसने? स्पॉन्टेनियस कहा था इसने एफजी हचिन ने। ठीक है, इसको स्पॉन्टेनियस इसलिए कहा था कि इसमें कोई डिसीजन मेकिंग काम नहीं किया गया है, बस इंस्टेंट इंस्टेंटेनियसली इसको चालू कर दिया गया। और देखिए, ये क्विट इंडिया मूवमेंट में ही आगे चल के डू एंड डाई, है ना, दिल्ली चलो, इस तरह के नारे साथ में चल रहे थे, कंटेम्प्रोरी चल रहे थे। ठीक है, और ये ब्रिटिश के लिए काफी महंगा साबित हुआ था। ओके गाइस, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इसके से रिलेटेड जो पर्सनालिटीज है हम लोग उसको जरूर याद रखेंगे। ओके गाइस, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट, दो तरह के स्टेटमेंट दिया हुआ है, और इस तरह के क्वेश्चंस में ये ऑप्शंस रहता है, आप लोगों ने देखा होगा कि या तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, एंड द सेकेंड स्टेटमेंट विल एक्सप्लेन फर्स्ट वन करेक्टली, ये कहेगा ऑप्शन ए।
ऑप्शन बी में कहेगा कि दोनों सही तो है बट सेकेंड स्टेटमेंट ए को एक्सप्लेन नहीं करता है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट हम तब चुनेंगे जब इसमें से क्या होगा कि पहला सही होगा लेकिन दूसरा गलत होगा, ठीक है ना। तीसरा हम लोग तब चूज करेंगे जब दोनों गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब दोनों सही होगा और ये इसको एक्सप्लेन करेगा तो ए होगा ऑप्शन, जब दोनों सही होगा लेकिन कोई एक दूसरे को ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा दूसरा पहले को, तो हम लोग बी चूज करेंगे। जब पहला सही हो दूसरा गलत हो तो हम लोग सी चूज करेंगे, और जब दोनों गलत होगा तो हम लोग डी चूज करेंगे, ठीक है। अब ये ऑप्शंस को भी हम लोग ध्यान में देखेंगे कि कभी कभी दूसरे क्वेश्चंस में इसको चेंज कर दिया जाएगा, है ना, कि पहला सही है दूसरा सही है, पहला गलत है दूसरा सही है, तो इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से रीड कर लेंगे ऑप्शंस को टिक लगाने से पहले। ओके गाइज, सो हियर इज अ 10th क्वेश्चन। आई गिव सम टाइम टू रीड यू गाइज। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन। हियर द फर्स्ट क्वेश्चन। द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया थ्रू अ मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी हेडेड बाय द इंडियन सिविल सर्विसेज whose members were recruited through merit based on open competition. Okay, तो first statement कह रहा है कि ब्रिटिश जो इंडिया में रूल कर रहे थे वो एक सिविल सर्विस के हेल्प से कर रहे थे, सिविल सर्वेंट्स के हेल्प से कर रहे थे, और उनका रिक्रूटमेंट जो होता था वो ओपन मेरिट बेस्ड एग्जाम पे होता था। तो क्या लगता है? तो देखिए, ब्रिटिश रूल का स्टील कहा जाता है सिविल सर्विस, सिविल सर्वेंट्स को। पहले तो सिविल सर्वेंट जैसे वो जो हुआ होते थे उनका एग्जाम्स लंदन में ही हुआ करता था, ठीक है। ओके, जब लॉर्ड डलहौजी इंडिया में आया था, लॉर्ड डलहौजी केम एज अ वाजरा इन 1848 एंड ही वाज इन इंडिया टिल 1856। उसी टाइम पे, उस टाइम पे ऐसा था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का सेकेंड फेज, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज चालू हो चुका था, और वो लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहा था कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो जिससे हम लोग बना बनाया माल यहाँ पे इंपोर्ट कर सके दूर दूर के क्षेत्रों में, रिमोट एरियाज में, बल्क अमाउंट में। तो उसके लिए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रेलवे और बाकी जैसे कि टेलीग्राफ है, पोस्ट है ना, पोस्ट, और इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को वो लोग डेवलप कर रहे थे। साथ में वो लोग ऐसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे थे सो सर्विसेज दे इंडिया में, वो बाई ब्लड इंडियन हो बट माइंड से ब्रिटिश हो, तो वो कुछ ऐसा सर्विसेज चाहते थे। तो 1855 में उन्होंने 1855 में ये इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम स्टार्ट हुआ लंदन में। ये 1922 में इसको ओपन कर दिया गया, ठीक है। इंडिया से जो पहला सिविल सर्वेंट्स हैं वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, ठीक है। और तो उस टाइम पे ये ओपन था। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है कि इंडियन सिविल सर्वेंट्स के हेल्प से ही वो लोग, क्योंकि वो काफी लॉयल हुआ करते थे और इंटेलेक्चुअल हुआ करते थे, तो उसके हेल्प से उन्हें रूल करने में काफी इजी होता था। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि द इंडियन सिविल सर्विस वॉज बेस्ड ऑन द होल हार्टेड पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन। तो देखिए, इंडियन सिविल सर्विस वॉज बेस्ड ऑन द होल हार्टेड पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें इंडियंस को बहुत मुश्किल से चांस मिलता था और इंडियन उसमें होल हार्टेड पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, और पहला सही हो गया। तो फर्स्ट इज ट्रू बट द
Second statement is false, so we will choose this statement, option C. So we will choose option C. Okay, guys, moving to the next question. Question 12, based on the Karachi session. Okay, right? The Karachi resolution of the Congress in 1931 advocated which one of the following issue? तो देखिए कराची सेशन जब हुआ था, जब भगत सिंह को फांसी दे दिया गया था, उसके बाद कराची सेशन के लिए महात्मा गांधी जी भी गए थे और उनको काले पट्टी बांधकर उनको उनका विरोध जताया गया था गांधी जी का. क्यों? क्योंकि भगत सिंह को फांसी दे दिया गया था, लोग वहां पे काफी नाखुश थे. और उस टाइम पे कहा जाता है, बहुत सारे हिस्टोरियन ऐसा भी कहते हैं कि भगत सिंह का जो लोकप्रियता है वो गांधी जी को मैच कर रहा था, इतना ज्यादा इंडिया में भगत सिंह का उस टाइम पे लोकप्रियता बढ़ चुका था. तो कराची रिजोल्यूशंस में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी लिए गए, ठीक है. तो उसमें से अगर हम देखते हैं, इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, ऑप्शंस को पढ़ते हैं, तो पहला कहता है कि स्टेट शैल नॉट ओन और कंट्रोल की इंडस्ट्रीज एंड द सर्विसेज, ठीक है. तो ये गलत है क्योंकि ये जो टाइमिंग था 1931 का, हम ऐसा नहीं चाहते थे. हम चाहते थे कि अब स्टेट जो है की इंडस्ट्रीज पे भी क्या करे, अपना उस पे कंट्रोल करे, उस पे फंक्शनिंग पे भी कंट्रोल करे. अब जो है स्टेट सेल हैंड ओवर द की इंडस्ट्रीज एंड द सर्विसेज टू द इंडियन बिजनेस ग्रुप, ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे, ठीक है. इसके अगेंस्ट में सबसे ज्यादा अगेंस्ट में कौन था, तो खुद भगत सिंह थे, जो ब्रिटिश एक्सप्लोइटेशन के अलावा वो लोग इंडियन कैपिटलिस्ट का एक्सप्लोइटेशन के भी विरोध खड़े थे, ठीक है. तीसरा जो है, स्टेट शुड अलाउ द इंडियन बिजनेस ग्रुप टू इन्वेस्ट 50% ऑफ द कैपिटल. ये जो डेटा है, ऐसा कुछ कुछ भी नहीं है, है ना, कि 50% देंगे और 50% प्राइवेट सेक्टर होगा, ऐसा कुछ नहीं है. थर्ड कह रहा, द स्टेट शैल ओन और कंट्रोल की इंडस्ट्रीज एंड द सर्विसेज. तो ये सही है कि स्टेट को की इंडस्ट्रीज को हेल्प करना चाहिए, उसको ओन करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए. तो ये हम लोग याद रखेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 1931 में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिजोल्यूशन लिए गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग देखेंगे इसको जब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है. ओके गाइज, देखते हैं अगला क्वेश्चन. कह रहा है, द ट्रीटी ऑफ स्कॉनबॉर्न वॉज साइंड आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल. तो देखिए ये बात है नेपोलियन के टाइम का, स्कॉनबॉर्न. तो ऑस्ट्रिया और नेपोल, है ना, ऑस्ट्रिया जब हार गया था उस टाइम पे, ये बैटल ऑफ वॉर्ग्राम में नेपोलियन ऑस्ट्रिया से हार गया था, उसी टाइम पे ये ट्रीटी हुआ था, ट्रीटी ऑफ स्कॉनबॉर्न 1809 में. तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री से एक क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, नेपोलियन से रिलेटेड है, है ना. ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद का है, इसे हम लोग याद रखेंगे, ठीक है. चीजों को कैसे याद रखना है, हम इसे रेगुलर क्लास में देखेंगे, यहाँ हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ओके. सो एनडीए ये 1922 में पूछा गया था, लास्ट ईयर. ओके गाइस, जो भी क्वेश्चंस है एनसीईआरटी के पेज पे है, देखा जाना पहचाना क्वेश्चन है, जो नाम है ऑप्शंस में वो भी जाना पहचाना है. बस चीजों को क्या है, हमें क्लियर कट याद रखना है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन ए है कि बी है, है ना. जीएस में और साइंस में ये थोड़ा हमें कंफ्यूजन होता है. तो जब हम चैप्टर्स को पढ़ेंगे सिलसिलेवार ढंग से, चीजों को क्रोनोलॉजिकली हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, तो ये कंफ्यूजन हमारा खत्म हो जाएगा. ओके गाइस, सो क्वेश्चन नंबर 14 इज, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द न्यू मॉडल यूनियन इज आर करेक्ट. तो न्यू मॉडल यूनियन क्या है, ठीक है. तो देखिए इसमें है कि पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि न्यू मॉडल यूनियन वेयर फॉर्मड इन 1850s, द न्यू मॉडल यूनियन वेयर फॉर्मड इन 1880s, ठीक है. द न्यू मॉडल यूनियंस कंप्राइज अ लेबर पार्टी आइडिया,
द न्यू मॉडल यूनियन एक्सक्लूडेड वुमेन इन द 1920s. ठीक है, तो आप बताएं क्या होगा इसका आंसर. तो देखिए, द न्यू यूनियन मॉडल जो है ये 1850s में स्टार्ट हुआ था. 1850s में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अपने चरम सीमा पे था, और वहाँ पे जो ट्रेड होते थे, छोटे छोटे जो व्यापारी थे, वो लोग एक यूनियन बनाए थे. और ये एक टर्म है जो कि एक हिस्टोरियन के द्वारा क्वाइंड किया गया है. ठीक है, तो इसे इसे हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में, सॉरी मॉडर्न हिस्ट्री में, ये है हमारे ओके न्यू मॉडल यूनियन. तो ये ट्रेड का एक यूनियन बनाया गया था मर्केंटलिस्ट, है ना, फॉलो करने के लिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट हमें कम करना है ना. इंपोर्ट को ही ड्रेन ऑफ वेल्थ माना जाता था. ये इनिशियल कॉन्सेप्ट हुआ करता था ड्रेन ऑफ वेल्थ का ब्रिटेन में. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. ओके गाइस, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, फिर नेक्स्ट इज द ट्रॉमा डॉक्ट्राइन ऑफ 1947 वाज अनाउंस्ड टू अचीव विच ऑफ द फॉलोइंग. देखिए, द ट्रूमैन डॉक्ट्राइन, ट्रूमैन कौन है क्या हमें पता है ना. तो ट्रूमैन जो है प्रेसिडेंट है यूएसए का, ये कब थे, 1947 के टाइम पे ट्रूमैन जो थे प्रेसिडेंट थे इंडिया में. और 1947-48 में क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो उस टाइम पे ब्रिटेन भी काफ़ी एग्जॉस्टेड हो चुका था और अमेरिका भी काफ़ी एग्जॉस्टेड हो चुका था. बट ब्रिटेन सबसे ज़्यादा एग्जॉस्टेड हुआ था और वो अपने सारे कॉलोनीज को ऑलमोस्ट लूज कर चुका था, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था. तो जो मेडिटेरेनियन कंट्रीज थे उस टाइम पे, उसका वो कंट्रोल नहीं रख पाता. और मेडिटेरेनियन कंट्रीज होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है आज के टाइम पे भी, जियोपॉलिटिकली वेरी इंपॉर्टेंट. तो वहाँ पे उन्हें ये डर था कि अगर ब्रिटेन ब्रिटेन अगर उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है तो यूएसएसआर का वहाँ पे कंट्रोल हो जाएगा. तो इसलिए वहाँ पे फिर उसने अपने पुराने साथी यानी अमेरिका को वहाँ पे इंटरफेयर करने के लिए कहा, और उसे उस जगह पे उसने इंटरफेयर किया. उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे ट्रूमैन डॉक्ट्राइन थे, और उन्होंने वहाँ पे जो कुछ कंट्रीज था जैसे इजिप्ट था, और तो इजिप्ट में उसमें मेन जो इंटरफेरेंस था टर्की और यूएसएसआर का था. तो इन टर्की और यूएसएसआर से सोवियत इन्फ्लुएंस में ना चला जाए पूरा का पूरा मेडिटेरेनियन रीजन को बचाने के लिए इन्होंने क्या किया था कि ये डॉक्ट्राइन दिया था कि वहाँ पे ये सारे कंट्री जो है, यूएसएसआर है और टर्की जो है, वो क्या कर रहे हैं कि इजिप्ट में और बाकी वहाँ के मेडिटेरेनियन कंट्रीज में जो डेमोक्रेसी है उस पर उसको वो उसके लिए खतरा है, और ये बोल के वो उनको बचा रहे थे. और वहाँ से शुरू हो गया था कोल्ड वॉर. आप लोगों को पता होगा कि कोल्ड वॉर फिर वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, फिर आगे वो 1991 तक चलते रहता है. तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि ये चीज ट्रूमैन ने किसके लिए यूज किया था, ये किया था यूएसएसआर के लिए. कंटेनमेंट का मतलब होता है हानिकारक चीजों को रोकना. कौन था हानिकारक, अकॉर्डिंग टू ट्रूमैन, यूएसएसआर वाज हार्मफुल फॉर हुम, फॉर द मेडिटेरेनियन कंट्री. ओके, अकॉर्डिंग टू हिम. ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. इन 1948 बर्मा वाज एडमिटेड टू द यूनाइटेड नेशंस एंड इमीडिएटली सपोर्टेड द यूएसए इन द कोल्ड वॉर. ओके, दूसरा भी पढ़ लेते हैं.
Second statement is, in 1948, Burma joined the United Nations but refused to denounce China as an aggression in the Korean War. Okay? Refused to denounce. Publicly, वो यह कहने से मना कर दिया कि चाइना जो है वो कोरिया वार में अग्रेसन कर रहा है, यानी कि लड़ाई को बढ़ावा दे रहा है. किसने मना कर दिया ऐसा कहने से? बर्मा ने. तो देखिए ऐसा रियलिटी क्या है. रियलिटी है फर्स्ट स्टेटमेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या हुआ था कि जब कोरियन वॉर हो रहा था और बर्मा और चाइना के बीच में काफी एक बड़ा बॉर्डर शेयर किया जाता है, तो चाइना का अग्रेशन से खुद बर्मा डरा हुआ था और वो फिर 1948 में यूनाइटेड नेशंस को भी एक्सेप्ट कर लिया. को एक्सेप्ट करने के साथ साथ उसने कोल्ड वॉर में चाइना और यूएसएसआर के साथ नहीं, रशिया के साथ नहीं गया, वो यूएसए के साथ गया ऑब्वियसली, बिकॉज वो ही वॉज अफ्रेड ऑफ चाइनाज एग्रेशन पॉलिसी. ठीक है ना? तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा वन ओनली हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा. ओके गाइस, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द अप्रैल थेसिस टू द रशियन पीपल इन 1917? तो देखिए 1917 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है. यहाँ पे रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था, कहें सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ था, और उस टाइम पे जो लीडर थे वो लेनिन थे. लेनिन के बाद स्टालिन आए थे. तो ये आंसर क्या हो जाएगा? लेनिन हो जाएगा. ठीक है ना? लेनिन को एक्साइल कर दिया गया था रशिया से बाहर. तो वो जब वापस आए थे 1917 में रिवॉल्यूशन के बाद, उन्होंने ये थियोरी अप्रैल थेसिस दिया था. ठीक है? इंडिया में 1920 में आया एम एन रॉय के कारण. जो यहाँ पे मीटिंग अटेंड किए थे वो एम एन रॉय, सोशलिस्ट लाने वाले पहले व्यक्ति माने जाते हैं इंडिया में. ठीक है? और हम लोग डिटेल में इसको देखेंगे आगे. ओके, नेक्स्ट. तो और दो क्वेश्चन है इसके अलावा. ये कह रहे थे ट्रीटी ऑफ यानदोवो वाज साइंड. तो देखिए यानदोवो जो ट्रीटी है बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है. ये ब्रिटिश एंग्लो म्यांमार वार जब हुआ था, एंग्लो म्यांमार वार जब हुआ था तो उसमें ब्रिटेन जीत गया था और म्यांमार को ट्रीटी करना पड़ा था. उसमें उसके बहुत सारे एरियाज को हैंड ओवर करना पड़ा था ब्रिटेन को. और ये हुआ था कब? ये हुआ था 1826 में. इसमें असम, चच्चर और कुछ एरियाज है जो इंडिया में आ गया था. उसी टाइम ये डिसाइड किया था कि मणिपुर जो रहेगा ना म्यांमार ना इंडिया, वो इंडिपेंडेंट रहेगा. साथ में ऐसा भी था कि म्यांमार को 1.5 करोड़ रुपीज ब्रिटेन को देना पड़ेगा एज ए रेवेन्यू. ठीक है? और भी कुछ चीजें थी इंपॉर्टेंट, उसे हम लोग देखेंगे. तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा 1826. ओके गाइस, नेक्स्ट. नेक्स्ट कह रहा है कि इन द मनुस्मृति विच फॉर्म ऑफ मैरिज रिजल्टेड फ्रॉम द वॉलंटरी यूनियन ऑफ मैडन एंड हर लवर. तो देखिए ये मनुस्मृति में अलग अलग फॉर्म ऑफ मैरिज दिया हुआ है. ये जो जहाँ पे वॉलंटरी फॉर्म होता था कि जहाँ पे वॉलंटरी जो है मैडन जो है अपने लवर से मैरिज करेगा, इस फॉर्म को गंधर्व मैरिज, गंधर्व फॉर्म कहते थे. गंधर्व, गंधर्व फॉर्म. ठीक है ना? तो ये गंधर्व फॉर्म को हम लोग सिक्स्थ फॉर्म भी बोलते हैं. ठीक है? इस नाम को याद रखेंगे हम लोग. मनुस्मृति जो है काफी इंपॉर्टेंट बुक है. और ये मौर्य डायनेस्टी के बाद जो सुंग डायनेस्टी आया था उस टाइम पे ये इसका लिखा गया था. ठीक है ना? वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. पुष्यभूति सुंग के टाइम पे मनुस्मृति को कंपाइल किया गया था. ओके गाइस, नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का इस सेशन का. तो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ओल्ड नेम्स एंड न्यू नेम्स ऑफ आइलैंड इन इंडिया इज आर करेक्टली मैच्ड. तो यहाँ पे हमें मैचिंग करना है. तो कुछ आइलैंड है उसका कुछ निक नेम रखा हुआ है.
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रॉस आइलैंड, तो देखिए ये जो रॉस आइलैंड है ये अंडमान निकोबार का, साउथ अंडमान का पार्ट है, तो ये गलत हो जाएगा, शहीद द्वीप, ठीक है, नहीं ये गलत हो जाएगा। और इसको हम लोग सुभाष आइलैंड भी बोलते हैं, सुभाष चंद्र बोस आइलैंड भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो नील आइलैंड है, ये देखिए दोनों उल्टा दे दिया गया है। नील आइलैंड जो है, नील आइलैंड जो है ये क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग शहीद द्वीप, ठीक है ना, ये शहीद द्वीप है नील आइलैंड। तो पहला और दूसरा गलत हो गया, तो ऑप्शन से हमें पता चला तीसरा सही होना चाहिए, है ना। तो हैबलॉक आइलैंड जो है उसको स्वराज द्वीप बोलते हैं, ये सही है, ये वेस्ट बंगाल में है। तो ओके गाइस, तो ये हमारा आज का